के ऐसे मशहूर एक्टर जिन्हें आप हिंदू समझते थे, पर असली धर्म जानकर आपको अपने आप पर गुस्सा आएगा। नंबर 7, कमल हसन। कमल हसन न सिर्फ तमिल सिनेमा के बड़े सितारे हैं, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी उनकी अलग पहचान है। कमल हसन का जन्म 1952 में एक तमिल ब्राह्मण अयंगर परिवार में हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कमल हसन का पहले पार्थ सारथी नाम था, जो इसी नाम के देवता के नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में उनके पिता ने अपने स्वतंत्रता सेनानी दोस्त याकूब हसन के नाम पर उनका नाम बदलकर कमल हसन कर दिया। हालांकि आज के समय में कहा जाता है कि कमल हसन नास्तिक है और वह किसी भी धर्म को नहीं मानते, लेकिन एक्टर इस बात को नकारते हुए कहते हैं कि वो असल में नास्तिक नहीं बल्कि तर्कवादी है और उनके मन में हर धर्म के लिए इज्जत है। नंबर 6, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र अपने समय के मशहूर एक्टर रहे हैं जिन्होंने कई हिट फिल्में दी और इन्हें हिट फिल्मों के दौरान उनकी मुलाकात हेमा मालिनी से हुई थी। इसके बाद दोनों को प्यार हुआ और शादी तक बात जा पहुंची। हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्यार में पागल हो गई थी, लेकिन धर्मेंद्र हिंदू थे और वह पहले से शादीशुदा थे, इसीलिए उनके लिए शादी करने का फैसला थोड़ा मुश्किल था। एक्टर की पहली पत्नी ने भी तलाक देने से साफ मना कर दिया था, जिसके बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों ने इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक धर्मेंद्र दिलावर खान बन गए और हेमा मालिनी का नाम आयशा रखा गया। कपल ने कभी भी नाम बदलने को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन कई मीडिया चैनल और वेबसाइट पर इस चीज का दावा किया जाता है। नंबर 5, नयनतारा। नयनतारा दक्षिण भारतीय फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने साउथ की फिल्मों में तो खूब नाम कमाया है, साथ ही साथ शाहरुख खान के साथ जवान फिल्म में काम करके वह हिंदी सिनेमा में भी काफी फेमस हुई हैं। उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन 2017 में उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। इसके लिए बकायदा उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में धर्म की दीक्षा ली थी और तब से ही वह हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं और हिंदू धर्म को लेकर उनकी आस्था भी है। नंबर 4, आयशा टाकिया। बॉलीवुड की वांटेड एक्ट्रेस आयशा टाकिया भले ही बॉलीवुड से दूर हैं, लेकिन एक वक्त था जब वह बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक थीं। आयशा हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती है, लेकिन उन्होंने प्यार की खातिर मुस्लिम धर्म अपना लिया है। एक्ट्रेस ने 2009 में अपने बॉयफ्रेंड फरहान आजमी से शादी कर इस्लाम धर्म कबूल था, यहां तक कि उनकी शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। हालांकि आज के समय में आयशा टाकिया बॉलीवुड से बिल्कुल दूर है और अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हैं। नंबर 3, तब्बू। 90 के दशक की इस मशहूर एक्ट्रेस ने बाजार फिल्म में चाइल्ड एक्टर के तौर पर तो पहला पहला प्यार में लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया। तब्बू का पूरा नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है, जो उनके पिता जमाल अली हाशमी से मिला। वो पाकिस्तान के एक्टर थे और बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान सिर्फ तब्बू की मां रिजवाना हाशमी के साथ रहने के लिए आए थे, जो हैदराबादी मुस्लिम परिवार से थी। हालांकि जब तक तब्बू 3 साल की हुई, उनके पिता उन्हें और उनकी मां को छोड़कर चले गए, पर फिल्मी जगत से इनकी डोर फिर भी जुड़ी रही, क्योंकि पद्मश्री अवार्ड पाने वाली यह अदाकारा शबाना आजमी की भांजी भी है। नंबर 2, ममूटी। दोस्तों, बहुत सारे लोग साउथ सुपरस्टार ममूटी को हिंदू समझते हैं, जबकि वह मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं। आपको बता दें, ममूटी ने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ के अलावा हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। ममूटी का जन्म 7 सितंबर 1951 को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका असली नाम मोहम्मद इस्माइल है। 3 नेशनल अवार्ड, 7 केरला फिल्म स्टेट फिल्म अवार्ड, 13 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले ममूटी आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इनके बेटे दुलकर सलमान ने सीता रमण जैसी हिट मूवी में भूमिका निभाई थी। नंबर 1, राखी सावंत। राखी सावंत बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन। राखी सावंत की पर्सनल लाइफ किसी से छिपी नहीं है। कुछ समय पहले ही उन्होंने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड आदिल दुर्रानी खान से शादी की थी, लेकिन शादी करने से पहले राखी सावंत ने इस्लाम धर्म कबूल किया और वह राखी से फातिमा बन गई। हालांकि उनकी यह शादी ज्यादा नहीं चल पाई और उन्होंने आदिल से तलाक ले लिया। आदिल से शादी करने के लिए राखी सावंत पूरी तरह से मुस्लिम बनी थी और उन्होंने रोजा रखना और नमाज पढ़ना भी शुरू कर दिया था। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना।